गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर 4 द पिकनिक। डेट और डे आप चैप्टर पे मेंशन कर लेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट। इट इज़ ए लवली संडे मॉर्निंग। यह संडे की बहुत प्यारी सुबह है। अमित एंड हिज फ्रेंड्स अनिल, राहुल, अर्जुन एंड साहिल आर गोइंग फॉर ए पिकनिक। अमित और उसके कुछ दोस्त अनिल, राहुल, अर्जुन एंड साहिल, जो इनके नाम थे, वे भी कहाँ जा रहे थे? पिकनिक पे जा रहे थे सब। अमित मदर इज़ ड्राइविंग देम टू रिवर साइड। अमित की जो मदर थी वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी कहाँ? रिवर के किनारे किनारे। वो लोग नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। दे आर कैरिंग बिस्किट, सैंडविच, स्वीट्स, एप्पल्स एंड बनानास इन ए बिग बकेट। और उन्होंने अपने साथ क्या लिया हुआ था? एक बड़ी बास्केट में, बकेट मतलब आपको पता है ना खाना रखने की डलिया, उसमें क्या लिया था? बिस्किट्स, सैंडविच, कुछ मिठाइयाँ, एप्पल्स और बनाना अपने साथ लिए थे। दे आर ऑल्सो कैरिंग डार्ट बॉर्ड एंड फायरबी एंड अ फुटबॉल विथ देम ए बिग बैग। और उन्होंने क्या लिया था अपने साथ? एक बड़ा बैग लिया था जिसमें क्या कहते हैं, डार्ट बॉर्ड, मतलब एक गोल गोल सा होता है, आपने देखा है, जिसपे वो दीवार पर अपन क्या करते थे, हैंग कर देते हैं और एरो लेकर उस पर निशाना लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डार्ट बॉल। फिर भी क्या होता है, एक गोल सी प्लेट होती है प्लास्टिक की, जिसको हम फ्लाई करके खेलते हैं, एक दूसरे के पास पास करते हैं। एंड फुटबॉल, फुटबॉल यू नो बेटर, विथ देम ए बिग बैग। उसने कहाँ रखी थी? ये सब बैग में रख के अपने साथ ले लिया था। और वो बैग, दे रीच इन द रिवर साइड एंड कीप देयर थिंग्स अंडर ए ट्री। वे कहाँ पहुँच गए थे? रिवर साइड। रिवर साइड मतलब नदी के पास वाले एक बड़े से ग्राउंड में पहुँच गए थे। और उन्होंने क्या किया, अपने साथ जो सामान लाए थे उनको कहाँ रख दिया? पेड़ के नीचे रख दिया। एंड गो फॉर प्ले, गो ऑफ प्ले, और कहाँ चले गए? खेलने के लिए चले गए। मिसिज राय सेटल डाउन विथ ए बुक। और जो मिसिज राय थी अमित मदर, वो कहाँ बैठ गई? वहीं अपनी बुक के साथ बैठ गई। अमित एंड राहुल आर प्लेइंग फुटबॉल। अमित और राहुल क्या करने लगे? फुटबॉल खेलने लगे। अर्जुन और साहिल आर प्लेइंग द फैब्रिक, मतलब अर्जुन और साहिल जो थे वो जो गोल गोल प्लेट्स थी प्लास्टिक की, उसको एक दूसरे के पास पासिंग पासिंग खेलने लगे। एंड अनिल फिक्स द डार्ट बोर्ड ऑन द ट्री। और जो अनिल था वो क्या कर रहा था? डार्ट बोर्ड को ट्री पर। अ मंकी सिटिंग ऑन द ट्री। मंकी जो थे बंदर, वो कहाँ बैठे हुए थे? पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। वॉचेज देम प्लेइंग, और वो क्या कर रहे थे? उन लोगों को खेलता हुआ देख रहे थे, उनके खेल को देख रहे थे। ही हैज सीन देयर फूड बास्केट, और उन्होंने क्या देखा? उनकी बास्केट में फूड को रखा हुआ भी देखा। ही इज़ हंग्री एंड ही वॉन्ट टू ईट बनाना। वो भूखे थे और क्या चाहते थे? केले, बनानाज मतलब केलों को खाना चाहते थे। द बॉयज आर बिजी इन प्लेइंग, लड़के जो थे खेलने में बिजी थे। सडनली राहुल हिट द फुटबॉल हार्ड, और अचानक से राहुल ने क्या किया, जो फुटबॉल खेल रहे थे तो फुटबॉल पर बहुत ज़ोर से किक किया। द फुटबॉल फॉल इन टू द रिवर, और फुटबॉल कहाँ जाकर गिरी? पानी में जाकर गिर गई। राहुल गो एंड गेट द फुटबॉल, अमित से, अमित ने कहा राहुल तुम जाओ और जाकर फुटबॉल को लेकर आओ। ऑल द फ्रेंड्स गो टू द रिवर बैंक, और सारे लोग भी कहाँ चले गए? नदी के पास चले गए। राहुल पुट हिज हैंड इन द वॉटर एंड सडनली स्क्रीम, राहुल ने जैसे ही पानी में हाथ, राहुल ने क्या किया, पानी में हाथ डाला और ज़ोर से चिल्लाया, नो आई विल नॉट, द वॉटर इज कॉल्ड, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, पानी बहुत ठंडा है। अमित यू गो एंड गेट द फुटबॉल, अमित ने क्या कहा, नहीं तुम जाओ और मेरी बॉल को वापस लेकर आओ। वाई शुड आई, मैं ही क्यों? अमित से, अमित ने कहा यू थ्रो द फुटबॉल इन टू द रिवर, क्योंकि तुमने ही क्या किया है, बॉल को पानी में फेंका है। नाउ यू गो एंड गेट इट, अभी तुम जाओ और मेरी बॉल को वापस लेकर आओ। सो राहुल गेट इन टू द वॉटर एंड पिक्स द फुटबॉल एंड थ्रो इट बैक टू देम। राहुल ने क्या किया, इसलिए राहुल क्या हुआ, पानी में गया और उसने बॉल को उठाया और वापस कहाँ फेंक दिया, अमित के पास फेंक दिया। आई वॉन्ट कम बैक, और उसने क्या कहा, मैं वापस नहीं आना चाहता, सेज राहुल, राहुल ने कहा। ही इज़ हैविंग ए लॉट ऑफ फन इन द वॉटर, ही इज़ हैविंग ए, क्योंकि उसे क्या, वह पानी में बहुत मज़े कर रहा था, फन कर रहा था। आप भी पानी में जाने के बाद मस्ती करते हो ना, रिमेम्बर वॉटर पार्क। लेट अस ऑल गेट इन टू द वॉटर, सेज अमित,
अमित ने कहा लेट अस इनटू द वाटर, लेट अस ऑल, मतलब तुम सब भी क्यों नहीं पानी में आ जाते, चलो आ जाओ। एवरी वन गेट इनटू द वाटर एंड स्प्लैश वाटर एट ईच अदर, मतलब प्रत्येक एक जो भी था वहाँ पे वो पांचों फ्रेंड क्या करा, उन्होंने पानी में चले गए और एक दूसरे के ऊपर, आप लोग जाते हो वाटर पार्क वगैरह तो पानी में जाने के बाद क्या करते हो, एक दूसरे के ऊपर हाथों से पानी की बौछार फेंकते हो ना, वही वो लोग भी मस्ती करने लग गए। ऑल हिज वाइल, ऑल दिस वाइल द मंकी हुज वॉचिंग देम, यह सब कौन देख रहा था, मंकी जो थे वहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे थे, उन सबको देख रहे थे। सीम अमित मदर्स बिजी रीडिंग ए न्यूज़पेपर, और जो उन्होंने क्या भी देखा कि बच्चे तो खेलने में हैं और उनकी मदर क्या कर रही हैं, पेपर पढ़ने में बिजी हैं। द मंकी क्विकली गेट डाउन फ्रॉम द ट्री, और मंकी ने क्या किया, जल्दी से पेड़ के नीचे आए। ही पिक्स अप द बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड टेक्स इट अप टू द ट्री, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मम्मा तो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं पानी में, तो वो जल्दी से पेड़ के नीचे उतरे और जो उनकी फ्रूट्स बास्केट थी, क्योंकि मंकी क्या चाहते थे, बनाना को खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फ्रूट बास्केट को कैरी किया, उठाया और कहाँ वापस चले गए, उसको लेकर ट्री पर चले गए। ही सिट ऑन द ब्रांचेस, और वह पेड़ की डालियों पर बैठ गए। ईट द बनानास एंड थ्रो द पिल टू द ग्राउंड, पेड़ की डाली पर बैठ गए वापस वह, और क्या करने लगे, बनाने को खाने लगे और उसके जो छिलके थे उनको कहाँ फेंका, उन्होंने ग्राउंड पर फेंक दिया। आफ्टर सम टाइम द बॉयज कम आउट ऑफ द वाटर, कुछ समय बाद लड़के जब पानी के बाहर आए, दे फाइंड द बास्केट मिसिंग एंड बनाना पिल प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, उन्होंने देखा जब पानी से बाहर आए, अभी जब कहीं जाते हो वाटर पार्क वगैरह, जब पानी से बाहर आते हो आपको भी खेलने के बाद भूख लगती है, तो उन लोगों को भी भूख लगी, तो उन्होंने क्या किया, फूड बास्केट को ढूंढा, पर जब उन्होंने देखा कि उनकी फूड बास्केट क्या है, मिसिंग है, और बनाना के जो छिलके थे, पिल थे, वो कहाँ पड़े हुए थे, ग्राउंड के ऊपर इधर उधर पड़े हुए थे। दे लुक अप टुवर्ड द ट्री एंड फाइंड ए मंकी ईटिंग बनाना, और उन्होंने पेड़ की तरफ देखा और उनको क्या दिखा, उन्होंने क्या फाइंड किया कि मंकी क्या कर रहे हैं, बनाना को खा रहे हैं, किसको खा रहे हैं, केले को मंकी खा रहे हैं। हे हे दे शाउट एट द मंकी, और वो क्या चिल्लाने लगे, आप लोग भी कभी मंकी देखते हो या कुछ देखते हो तो नहीं बोलते देखो देखो वो मंकी है, ऐसे ही वो लोग भी चिल्लाने लगे। द मंकी होल्ड द बास्केट टाइट एंड जंप इनटू द अपर ब्रांच ऑफ द ट्री, तो मंकी ने क्या किया, जैसे ही मंकी ने उनकी आवाज़ सुनी, मंकी को लगा अरे इन्होंने हमें देख लिया है, कहीं हमसे बास्केट ना ले लें, तो मंकी ने कहा अपनी जो फूड बास्केट थी उसको क्या किया, टाइटली पकड़ा और कहाँ जंप कर दिया, पेड़ की सबसे ऊपर वाली ब्रांच पर जंप करने लगे। सून ही ईट एवरीथिंग कैप इन द बास्केट, और जल्दी ही उन्होंने क्या किया, जो भी बास्केट में फ्रूट्स रखे थे वे सारे के सारे खा लिए। द मंकी स्प्लॉयड देयर पिकनिक, दे कम बैक होम, तो इस तरह उनकी मंकी ने उनकी पिकनिक खराब कर दी थी और वे जल्दी ही घर वापस आ गए। सो स्टूडेंट नाउ वी आर रीडिंग चैप्टर 4 द पिकनिक, तो आपने देखा किस तरह सारे बच्चों का खाना कौन खा गया था, मंकी खा गया था, और वो उनको बच्चों को क्या किया, भूखा ही रहना पड़ा अमित और उसके फ्रेंड्स को। अब हम इस चैप्टर के एक वर्ड बैंक देखते हैं, हमारा एक वर्ड आया था रिवर साइड, इसका मीनिंग क्या था, द ग्राउंड अलोंग ए रिवर बैंक, मतलब जो रिवर बैंक होती है हमारी नदी किनारे होता है उसके पास का ग्राउंड। फाइव भी मतलब एक लाइट प्लास्टिक ऑब्जेक्ट होता है लाइक ए प्लेट, मैंने आपको बताया था प्लेट की तरह जो आप पासिंग खेलते हो। स्प्लैशिंग मतलब थ्रोविंग, मतलब फेंकना होता है। पील मतलब द स्किन ऑफ द फ्रूट्स, मतलब जो किसी भी फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं वो। क्वाइटली मतलब विदाउट मेकिंग नॉइज, बिना विदाउट मतलब आपको हम बोलते हैं ना कीप क्वाइट, क्वाइटली मतलब विदाउट मेकिंग नॉइज, बिना शोर किए हुए ही कहाँ घर वापस आ गए। सो थैंक यू। सो स्टूडेंट दिस चैप्टर यू रीड योर सेल्फ इन योर होम सो यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके थैंक यू।